अरे भैया ये पहाड़ तो गिर जाएगा जैसा लग रहा है, इतना सीधा खड़ा पहाड़। तो सामने वाला गाड़ी ने बोला है कि आगे बहुत बड़ा बारिश दे रहा है, ये क्या हो गया? हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पीपल लगाओ फटाफट। हम लोग का बीच में जादू आ चुका है दूसरा ग्रह से। टोटल ऑफ रोडिंग है दोस्तों, 4x4 लगाना ही पड़ेगा आप लोग को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं विजयनगर। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था ना मैंने, विजयनगर का टूर में जा रहे हैं। तो सब दोस्त लोग आज मिल गए, हम लोग जा रहे हैं विजयनगर। बाय बाय। तो सब लोग जाने के लिए रेडी, गाड़ी में फुल पैक। तो दोस्तों सफर शुरू हो चुका है जयरामपुर से विजयनगर तक का। पहले जाएंगे हम लोग मियो, उसके बाद गांधीग्राम, उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं विजयनगर। विजयनगर अरुणाचल का आखिरी टाउन है गाइस, सफर काफी यादगार होने वाला है। अभी है मियो डिपो में, गाड़ी का टैंकी अभी फुल करना है और मियो में रुक के फिर से हम लोग ने जगह को एडजस्ट किया क्योंकि जगह कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बैठने के लिए। ये पीडब्ल्यूडी राव और ये हमारी पूरी टीम, हम लोग जा रहे हैं विजयनगर। तो मुझे तो ठंडा अभी से लग रहा है इसलिए पेन लिया भैया, मैं ठंडा से बचना है मुझे, बीमार नहीं होना है। समझ लो गाइस, समझ लो भैया। तो असली जर्नी यहाँ से शुरू होता है हम लोग। मेरा सामने है वेलकम गेट, नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। शायद अंदर टाइगर वगैरह भी होगा, देखने मिलेगा होगा गाइस, वीडियो में बने रहिए। दोस्त लोग एंट्री करने के लिए गया अंदर, ये गेट का अंदर जाने के लिए एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंट्री करके हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, ऑन रिक्स अपना रिक्स में जाना होगा, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अरे भैया ये पहाड़ तो गिर जाएगा जैसा लग रहा है, इतना सीधा खड़ा पहाड़। वाओ, कुछ इस तरह का है रोड, देखो खराब रास्ता मिलने शुरू हो चुका है। जिंदगी है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और कैमरा बहुत हिल रहा है, वाइब्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है रास्ता का वजह से। रास्ता देखिए ना, छोटा सा रास्ता है। यहाँ पर भी एंट्री करना होगा, दो गेट मिल चुका है अभी तक। अभी यहाँ से जितना अंदर जाते रहेगा विजयनगर की तरफ उतना ही कंजूस होते रहेगा हम लोग, क्योंकि उधर सामान का बहुत ज्यादा दाम है, इसलिए मत मांगना रे भाई लोग, मेरा सब कुछ मत मांगना। आगे जाएगा तो 10 रुपए का सामान 50 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा गेट मिला हम लोग को और काफी ठंडा है इसलिए रुक के थोड़ा सा स्टॉल में चाय और समोसा थोड़ा खा लेगा। नो एंट्री फॉर व्हीकल आफ्टर 5 PM। तो समोसा ले लिया यहाँ में। चलो भाई लोग गर्मा 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 गर्म समोसा खाते हुए सभी लोग। ठंडी में समोसा का भी बात ही कुछ और है। एंट्री करा लिया, चाय वगैरह पी के फिर से सफर हम लोग का शुरू हो गया। रोड क्रॉसिंग करने के लिए भी जगह बहुत छोटा है, तो सामने से एक गाड़ी जा रहा है। बहुत बड़ा बड़ा जंगल है यार, नामदफा नेशनल पार्क। तो रास्ता बहुत छोटा है दोस्तों यहाँ में। ठीक है ठीक है, जा सकता है, जा सकता है। काटो, गाड़ी क्रॉसिंग करने के लिए तकलीफ हो जाता है। लो भैया जाम लग गया, प्रॉब्लम तो ढेर सारा है इस रास्ते में। सच में दोस्तों 2 साल से प्लानिंग कर रहा था विजयनगर आने के लिए, लेकिन किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन इस बार 2024 में सक्सेस हुआ है हम लोग आने के लिए। बीच बीच में ऐसा रास्ता खराब है और ऐसा जगह से लैंडस्लाइड हो जाता है। और अभी एक स्कूटी गया तो रॉन्ग साइड से जा रहा था, थोड़ा से नहीं ठोक दिया भैया, रॉन्ग साइड में नहीं आना चाहिए। फॉरेन कंट्री है जैसा चला रहा है ना, अरे फॉरेन कंट्री जैसा सोच के चला रहा है। इंडिया है, इंडिया है, विजयनगर इंडिया का अंदर में भैया, देख लेना भैया मैप में जाके। अरुणाचल प्रदेश में लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर और दूर है, लेकिन ठंडा अभी से महसूस कर रहा हूँ मैं। हे भगवान बारिश मत देना, बारिश दिया तो भैया सब चौपट हो जाएगा हम लोग का। मैंने सुना है क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है यहाँ पे। मस्त जोक मारा। हाँ भैया, हाँ ये मैंने भी सुना था। अंडा खा रहा है भाई, क्या कर रहा, भूख लग गया।
हम लोग का बीच में जादू आ चुका है दूसरा ग्रह से, और हम लोग को यहाँ से विजयनगर तक ले जाने के लिए जादू आ चुका है। जादू जादू तो गिर गया। आजकल 4G 5G निकलने के बाद में कोई भी अपना अपना मोबाइल में गाना डाउनलोड करके नहीं रखता है ना, तो ऐसा जगह में आएगा तो पता चलेगा गाना का वैल्यू क्या होता है, डाउनलोड करके रखने का वैल्यू क्या होता है। प्ले म्यूजिक भी दे रहा है पीछे से। यहाँ में गाना सुनने के लिए हम लोग तरस रहे क्योंकि मोबाइल में एक भी गाना लोडेड नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। गुड्डू भाई हम लोग का कुछ बोलना चाहता है। जिंदगी में बहुत पैसा का पीछे भागा, मेहनत किया है, गाड़ी मोटर रेस नहीं मिला, फर्स्ट टाइम आज आया हूँ विजयनगर घूमने, अच्छा लग रहा है। बोलने का मतलब लाइफ में बहुत काम कर लिया, बहुत बिजी रह लिया भाई, अपना लाइफ में ब्रेक भी तो बनता है ना, तो बस ब्रेक ही समझो और अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए आज हम लोग विजयनगर टूर पे आया हुआ है, तो काफी मजा आ रहा है, यही बोलना चाहते हैं हम लोग का दोस्त। तो बस दिल को खुश रखो भाई, दिल को मार के ना, खुद से फाइट करके फायदा नहीं है लाइफ में, दिल को खुश रखो, जिंदा रहो भाई, मरने के बाद कोई लेके जाने वाला तो है नहीं, इसलिए जब तक जिंदा है तब तक खुश रहो। तो सामने वाला गाड़ी ने बोला है कि आगे बहुत बड़ा बारिश दे रहा है, ये क्या हो गया? हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पीपल लगाओ फटाफट। तो आगे देखिए पूरा बादल काला हो चुका है और बारिश देने का संभावना, इसलिए हम लोग ने भी लगा लिया तिरपल और तिरपल के अंदर में सब लोग मत जा सकते। कैसे दोस्त लोग? ऑसम गाइस, तैयारी पूरी रेडी है। आज एलियन सबसे ज्यादा जमा रहा है और एलियन के सामने बैठने वाला ये लंबू ने बांध दिया तंबू। तो बारिश देने की वजह से मैं आ गया अंदर और अंदर से अच्छा से आप लोग को नजारा दिखा पा रहा हूँ। तो हम लोग का ड्राइविंग में है आज सरजू ब्रो, बारिश देके रास्ता का हालत कुछ ऐसा हो गया है। कंबल का नीचे हम कंबल के अंदर मुंह मत लो, नहीं घुसाना है। भाई देखो कोई पोंट मत करना भाई, अंडर सप्लाई बंद कर देगा फिर। तो दोस्तों जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर है, तो इसी में एक गाना हो जाए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना, उड़ ले ओ। आज गुड्डू भाई क्या देखा फिर से बोलो। जादू उठ नहीं पा रहा है, जादू पूरा सोया हुआ है, उठ नहीं पा रहा है आप लोग का जादू। धूप दिखा, धूप धूप त्रिपल का वजह से कुछ धूप दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, चलो ऊपर जाके देखते हैं दोस्तों कैसा है। वाओ अमेजिंग ऑर्गेज्मिक। मौसम देखिए यहाँ पर, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरा बारिश था, अभी फिर धूप निकल गया है। मौसम कभी भी यहाँ पर बदल सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। बारिश तो कभी होता नहीं है जनवरी में, लेकिन यहाँ का मौसम ही ऐसा है, कभी भी बारिश दे सकता है, कभी भी धूप दे सकता है। आके गलती नहीं किया मैंने, मुझे इतना सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट और जगह देखने को मिला, और वहाँ पर पहाड़ पर रेनबो निकला हुआ है देखिए। और हम लोग ने तिरपल गाड़ी में इस तरह से लगा रखा है, नंबर से आवाज़ माय गॉड, लफड़ा लग चुका है, गाड़ी का पत्ती टूट गया, क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पहुँचते भूख भी लग चुका है हम लोग को, शाम का 4 बज चुका है और अभी भी बहुत दूर है विजयनगर। यहाँ पहुँच के साला गाड़ी का पत्ती खराब हो गया, तो उसे थोड़ा सा रिपेयर करके यहाँ से फिर आगे बढ़ना होगा हम लोग को। तो बनाते बनाते आधा एक घंटा लग जाएगा, तब तक हम लोग मैगी बना के खा लेगा। तो लकड़ी थोड़ा सा लेके आए हैं आग जलाने के लिए और मैगी पकाने के लिए। तो आग भी जल चुका है, लेकिन यहाँ पर कचरा बहुत जमा करके रखा था, तो इसी बहाने हम लोग ने कचरा को भी जला दिया। दूसरों का कचरा हमारा फायदा, कचरा जला के हमने आग जला लिया, अभी आग बढ़िया से स्टीम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर मैगी पकाएंगे, मस्ती से खाएंगे और फिर विजयनगर का सफर में निकल जाएंगे। मैगी पक्के रेडी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
जैसे तैसे इतना मतलब बैक लोकेशन में भी हम लोग आउटस्कर्ट में भी आके इतना अच्छा मैगी बनाया। अभी ये मैगी बनाने का पीछे बहुत आदमी का हाथ है। आग जलाया ये भाई ने, टमाटर काटा, प्याज काटा ये भाई ने, और मैगी बनाने वाला शेफ है अपना संतोष भाई, पत्ती जोड़ने वाला वो भाई। ये दूसरा प्लेनेट से आया लेकिन इंडिया का प्लेनेट अर्थ के लिए बहुत काम कर रहा है। बाकी ये दोनों बैठा हुआ है पूरा मौज में, पूरी तो एकदम गुड भाई, जंगल से एकदम पहाड़ से लेके आए, क्या पूरा गीला वाला लकड़ी मिल रहा था, सूखा ना था नहीं वाला पहाड़ से खोरी लेके आए, लेके आया। तो रेडी है खाने के लिए, सोखा पी लिया और जबड़ा सारा जला के यहाँ से अभी हम लोग निकलने का तैयारी। गाड़ी भी हो चुका है, बना चुका है और अभी निकलेगा। अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो इस जगह को अलविदा कहते हैं और यहाँ से आगे रवाना होते हैं और जाने का तैयारी शुरू हो गया। चलते हैं यहाँ से सीधा आगे विजयनगर। सुबह निकले थे घर से, शाम हो चुका है, अभी भी विजयनगर नहीं पहुँचा, भगवान जाने कब पहुँचेगा, रात में पहुँचेगा होगा 9-10 बजे तक। रात हो चुका है दोस्तों, कुछ इस तरह रास्ता है, बहुत ही खराब है, 4-wheel लगाना पड़ रहा है, टोटल ऑफ रोडिंग है दोस्तों, 4x4 लगाना ही पड़ेगा आप लोग को विजयनगर जाना है तो। 4x4 क्या है? 4-wheel दोस्तों, हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहा दम था। अच्छा, विजयनगर जाना था लेकिन यहाँ का रास्ता ही खराब था। सिटी भी नहीं बज रहे। काफी मुश्किल सफर के बाद अभी हम लोग पहुंचा है विजयनगर में, और मेरा पीछे आई भी है और यहाँ पर एक भैया को मिला, तो उन्हें हम लोग ने रिक्वेस्ट किया रूम के लिए, क्योंकि रात का 10 बज चुका है और रात में इतना रात को आना भी ठीक नहीं है, तो फिर भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया रूम के लिए। हम लोग टोटल 8 बंदा है तो एग्री हो गया रूम देने के लिए। अभी हम लोग रूम में एंटर करेगा। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हम लोग का वहाँ का कंपेयर में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्दाश्त नहीं कर सक रहा है। अभी कंबल मिलेगा ना, घुस जाएगा डायरेक्ट, मॉर्निंग में उठेगा। आ जाओ आ जाओ। गाड़ी ने भी बहुत कष्ट उठाया है, ज्यादा कुछ नहीं खाने के लिए रात में, फिश टिन और किचन में यहाँ पर रेडी हो रहा है खाना पीना। स्पेशल डिश पकाया, कुकर में भात बिठा दिया, इधर फिश टिन पकेगा। यहाँ फायर उठते ही काम चलाना पड़ता है, तो पेट पूजा करेंगे पहले। बॉयस अच्छा से सोना, गुड नाइट गुड नाइट। कुछ सोए नहीं, एक बज चुका है, क्या टाइम है तुमको, क्या हो गया, मफलर उफलर लगा के आप लोग 7 बजे सो जाते हैं, 7 बजे। जितना वीडियो आप लोगों को दिखाना है कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा, आज के लिए अलविदा, सेकंड पार्ट जरूर देखिए।